हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन आर्च। आज के वीडियो में मैं आपसे गार्डन सीटिंग डिजाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं घर और गार्डन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप अपने गार्डन में सीटिंग एरिया डिजाइन करवा रहे हैं तो कॉन्क्रीट का डिजाइन करवाएं या फिर मेटल का डिजाइन करवाएं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों मटेरियल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इस पर बारिश का एंड समर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंक्रीट का सीटिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है और आप इस पर गद्दे भी लगा सकते हो जब भी आपको बैठना हो, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप स्टोन के साथ भी कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, सीटिंग एरिया बनाया गया है। कलरफुल पिल्लो लगा के आप इसको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्लास कवर सीटिंग एरिया बनाया गया है। इस तरह के सीटिंग फर्नीचर या फिर रेस्ट फर्नीचर काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनको बारिश के समय हमें अंदर ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरह के फर्नीचर तभी यूज करें जब आपके पास वर्कर हो। लेकिन देखोगे डिज़ाइन में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देखो, आप दो साइड में आप बैठ सकते हो और काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ देख रहे हैं आप, हैंगिंग सीट है। इसका यूज़ हम बालकोनी में भी कर सकते हैं और गार्डन के लिए भी काफ़ी अच्छा है और मूवेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। इस तरह के सीटिंग फर्नीचर आपको अप्रोक्स 20 to 30 thousand में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, हैंगिंग सीट है और सन के लिए भी प्रोटेक्शन ऊपर से कवर दिया गया है। ये भी कुछ उसी प्रकार का है, ये पूरा आपको पैक हो जाएगा। फोल्डिंग डोर है इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं, आउटडोर डाइनिंग टेबल बनाया गया है विथ चेयर। सीटिंग के लिए जो भी कवर आप यूज करेंगे उसको डार्क रखिए, इससे गंदा नहीं पता चलता है, क्योंकि आउटडोर में जल्दी गंदे हो जाते हैं, ठीक है, सीटिंग कवर, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। वाइट भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देख रहे हैं, सीटिंग एरिया में काफ़ी अच्छा ग्रास और प्लांटेशन किया गया है जो काफ़ी अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन दे रहा है। यहाँ पे अगर सीटिंग एरिया देखोगे तो वाटर के साथ कनेक्ट है और इसका जो बाउंड्री है वो कॉपर जाली का यूज़ किया गया है डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप वीडियो को स्टॉप करके देखोगे तो आपको बहुत सी क्रिएटिविटी, आपको आइडिया मिलते जाएंगे कि आपको किस प्रकार से अपने सीटिंग एरिया को डिज़ाइन करना है। आप अपने सीटिंग एरिया को लाइट से भी डिज़ाइन कर सकते हो, वाटर से भी डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज आपको इसके थ्रू मिलते जाएंगे। फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं, है ना, और भी अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आपको प्लांट्स मिलते हैं। सेंटर पर आप फायर प्लेस बना सकते हैं, है ना, तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आप सभी चारों तरफ सीट को जो है वो हैंग कर दिया गया है और सेंटर पे आपको फायर प्लेस बना दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, लाइटिंग है, लाइटिंग से सजाया गया है और लतर वाले प्लांट से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।